ज्योतिर्लिंगों तथा शिरडी का दर्शन करा रही रेलवे, आवागमन, भोजन और रहने का भी इंतजाम। 20 मई से शुरू होगी भारत देखो यात्रा। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म की पूर्वी जोन से पहली बार देखो अपना देश कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 20 मई से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत हो रही है। भारत गौरव ट्रेन से भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत भी प्रदान कर रहा है। ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए IRCTC के अधिकारी ने बताया, यह ट्रेन का नाम भारत गौरव ट्रेन है। ये स्पेशल डेडिकेटेड रेक बनाया गया है भारत गौरव ट्रेन, जिस तरह महाराजा के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड ट्रेन बनाया गया, उसी तरह इसको भी एक स्पेशल भारत गौरव LHB रेक इसमें रहेगा। LHB जिस तरह राजधानी का रेक रहता है, उसी तरह डेडिकेटेड यात्रा को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यात्रा को बढ़ावा देने की इस तरह का सुविधा, क्योंकि पहले ICF रेक रहता था उसमें पंखा नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, लेकिन LHB में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डेडिकेटेड रेक है, इसमें कोई तरह किसी तरह की सुविधा नहीं है, पूरा डेडिकेटेड लगेगा कि हाँ हम किसी अच्छे यात्रा में घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए रेलवे के द्वारा यह एक किफायती ट्रेन निकाली गई है, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस जैसी सुविधाओं से युक्त कोच लगे होंगे। खास बात यह है कि इस यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 20,000 रुपए से शुरू है, जिसमें होटलों में रहने का खर्च, मंदिरों में आने जाने का खर्च भी सम्मिलित है। साथ ही सुबह के जलपान के साथ ही दोपहर और रात का भोजन तथा दोनों समय चाय आदि की व्यवस्था भी इसी खर्च में सम्मिलित है। और यह एक सब्सिडी ट्रेन है, जिसमें गवर्नमेंट रेलवे के द्वारा 33% सब्सिडी है इसमें। और यह एक ज्योतिर्लिंग यात्रा है, ठीक है। और इसमें इस यात्रा का जो कॉस्ट है, ये स्लीपर में 20,060 रुपया, थर्ड AC में 31,800 रुपया और सेकेंड AC में 41,600 रुपये की सुविधा है। इसमें रहने के लिए होटल की व्यवस्था है और चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट आपको तीनों टाइम रहेगा, ब्रेकफास्ट है ना, शुद्ध शाकाहारी भोजन। उन्होंने बताया कि कोच में यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, साथ ही साथ एक गाइड भी होंगे जो उन्हें विभिन्न शहरों के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही ट्रेन में सवार प्रत्येक यात्री का बीमा भी होगा। इस यात्रा में बीमा की भी सुविधा है, जो एक्सीडेंटल रहेगा या जो टोटल जो कोच का कंपोजिशन है वो 14 कोच का कंपोजिशन रहेगा, ठीक है। हर कोच में एस्कॉर्ट मैनेजर, गार्ड आपकी सुरक्षा के लिए, एस्कॉर्ट मैनेजर का काम है पूरा आपको स्टेशन से उतरे वहाँ से आपको बस मंदिरों तक ले जाना, होटलों तक ले जाना। रहने के लिए इसमें होटल की व्यवस्था है, ठीक है। और आपका इसमें टोटल 2 नाइट स्टे है, एक आपका शिरडी में रहेगा और आपका एक ये उज्जैन में, ये उज्जैन में रहेगा। ट्रेन में टिकट की बुकिंग भी बेहद आसानी से हो सकेगी। बुकिंग करने के लिए इसमें दो तीन तरह से व्यवस्था है। पहला, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, www.irctctourism.com पे जाइएगा, उसमें कोड डालना पड़ेगा EZBG01, उसमें डालिएगा एक्स कोलकाता, तो आप उसके थ्रू बुक कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस पटना में हैं, बिस्कोमान में, वहाँ पे भी आकर बुक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे भी बक्सर में भी हमारा जो टोल फ्री नंबर आपको देंगे, यहाँ पे एरिया इंचार्ज मिस्टर श्रीकांत हैं, उनके थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं, यहाँ से भी बुकिंग हो सकती है आपको। 20 मई को ट्रेन कोलकाता से प्रस्थान करेगी और बक्सर रुकते हुए आगे बढ़ेगी। कोलकाता से चलेगी, फिर आपको पटना होते हुए पाटलिपुत्रा स्टेशन, आरा, बक्सर, DDU, प्रयागराज, चौकी, ये सब स्टेशनों से बैठ सकते हैं लोग, और इसी स्टेशन पे वो उतरेंगे भी, ठीक है। बोर्डिंग डीबोर्डिंग सेम रहेगा। जो आपका पूरा जो यात्रा है वो, जैसे आप मंदिर गए तो वहाँ पे बसों की भी व्यवस्था रहेगी आपको, पूरा एक्सक्लूसिव पैकेज है। 20,000 अगर स्लीपर में जाते हैं तो 20,060 रुपये देते हैं, तो आपको कुछ मंदिर के एंट्री को, गेट एंट्री कहीं लगता है तो उसको छोड़ के कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रुप में बुकिंग करें तो टिकट और भी सस्ती होगी। ग्रुप बुकिंग करते हैं इसमें, अगर 15 या 15 से ज़्यादा लोग बुकिंग कर रहे हैं ग्रुप बुकिंग, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर कोई होता है फैमिली या गांव से लोग, 15 लोग जा रहे हैं, 20 लोग जा रहे हैं, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तुरंत। उन जो इतना भी अमाउंट है, उसमें 15 लोग हैं तो 15,000 रुपये काट के उनको बुकिंग कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार चौधरी, टूरिज्म इंचार्ज पटना। ये महेश गुण है, टूरिज्म इंचार्ज पटना, श्रीकांत, एरिया ऑफिसर, बक्सर।
इस यात्रा तथा टिकट बुकिंग के बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।